वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में वीसीबी स्कैनर के बारे में बात करेंगे। सो क्या है वीसीबी स्कैनर, लेट्स सी। तो ये मानस अरोरा ने ये वीसीबी पैटर्न बनाया है, दैट इज आई एम यूजिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग टू स्टॉक सिलेक्शन। ओके, और नॉर्मली ये करता क्या है, इट विल फाइंड आउट द स्टॉक्स दैट इज लोअर देन 25% फ्रॉम इट्स 52-week हाई। ओके, स्टॉक इज डाउन बाय 25% लोअर देन दैट 52-week हाई और स्टॉक इज ट्रेडिंग हायर देन 52-week हाई। ओके, सो ये कंडीशन है, स्टॉक इज लेस देन 25% लोअर फ्रॉम 52-week हाई और स्टॉक इज ट्रेडिंग हायर देन 52-week हाई। तो ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में काम आएगा। और उसने कुछ और कंडीशन कुछ ऐड किए, दैट इज मार्केट कैप इज लेस देन और इक्वल टू 30,000 और क्लोज इज ग्रेटर देन नंबर 30, मीन्स इट विल अवॉइड द स्टॉक्स हुज वैल्यू इज हुज सी एम पी इज लेस देन 30। और उसने ये एस एम ए भी यूज़ किया है, दैट इज़ अ लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज 200 एंड ग्रेटर देन 50 सिंपल मूविंग डे। और अब ये भी चेक कर रहा है कि 50 इज ग्रेटर देन 200, सो इट इज़ इन बुलिश जोन। और लास्टली ऑल द स्टॉक्स हुज प्राइस इज लेस देन 3,000 वही स्टॉक को वो स्कैन करेगा। तो दिस इज द सिंपल स्कैनर, ओके, दैट विल क्रिएटेड बाय मानस अरोड़ा, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मी, मैंने ये क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये नॉर्मली आपको स्टॉक सिलेक्शन में यूज़ होगा, लेकिन बिफोर स्टॉक सिलेक्शन आपको क्या करने का, ये लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, जस्ट क्लिक एट जस्ट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दैट लिंक। अगर मैं इस स्कैनर को रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सो मैनी स्टॉक्स आर फिल्टर अराउंड 10 पेजेस ईच कंटेन 25, टोटल 237 स्टॉक्स आर फिल्टर। तो आपको हर एक 237 स्टॉक को फिल्टर करके देखना है, वॉच आउट करना है चार्ट को, वहाँ पे क्या वो ब्रेकआउट कब कौन से लेवल पे आपको बाई करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अपने सेटअप के हिसाब से वो सब स्टॉक को आप फिल्टर करो और यूज़ करो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। क्योंकि यहाँ पे देखो 237 तो आ रहा है, लेकिन इसमें आपको और भी, क्योंकि ये कैश सेगमेंट में, अगर मैं सिर्फ फ्यूचर में करूँगा तो वो लेस आएगा, लेकिन वो स्टॉक क्या होगा आपको पता चलेगा, दैट इज ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52-week हाई और लोअर देन 25% फ्रॉम 52-week हाई। तो वहाँ से रिवर्सल माइट बी पॉसिबल। अगर हम आज एक लैंडमार्क वो सब में इतना परसेंटाइल मूव है, लेकिन अगर हम कैश में अगर एक देखें जो मैंने कल चार्ट देखा था, दैट इज़ यू फ्लैक्स। ओके, तो आज अभी वो टॉप गेनर है, यहाँ पे देखो कितना परसेंट है, 7%। अगर आप यू फ्लैक्स का चार्ट देते हो तो वो ट्रेडिंग अराउंड इट्स हाई 345 और उसके नीचे क्लोज हुआ था, तो उस एरिया में कहीं पर था, लेकिन आज मॉर्निंग में जैसे ही गैप अप ओपन हुआ वहाँ से देखो फिर 360 से सीधा 370 तक गया, 380 तक, 390 तक, 9 रुपीज़ मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गैप अप था। ओके, तो आप फिल्टर कर सकते हो, या फिर आप देखो ये स्टॉक ये आपको ये फिल्टर करके देगा, फिर आपको वो स्टॉक को वॉच भी करना है अमुक कुछ दिनों के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग डे के नज़दीक जब आएगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो ये पॉइंट पे, उसके बाद देखो जनरली। तो अपने सेटअप के हिसाब से यू हैव टू यूज़ योर ओन सेटअप इन ऑर्डर टू ट्रेड इन अ स्टॉक, बट ये आपको स्टॉक फिल्टर करके देखा और ये स्टॉक को आपको डेली देखना है तो आपके कौन से क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। अगर कैश में करना तो कैश में, अगर फ्यूचर में करना तो फ्यूचर में आपको स्टॉक्स कम मिलेगा। अगर आप प्रीवियस डे भी देख लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वी विल पिकअप रैंडमली एनी वन, फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ से कौन सा है, MFSL, उससे पहले कहाँ पे कोई है MFSL, ओके देखो यहाँ पे हम देखते हैं MFSL। ओके, कौन से तारीख 37 को आया है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट MFSL। कौन से डे को आया था, वो 3/7/2020 फर्स्ट टाइम आया था, आई डोंट नो, बट मैंने वहां से येलो कलर से पिकअप किया है 3/7/37 ये लाइन पे, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे फिर यहाँ पे आया है और ये ब्रेकआउट हाई पे क्लोज कर रहा है 52-week। आप देख सकते हो 52-week तो नहीं हो रहा, लेकिन वो स्कैनर में आया था, डाउन था फ्रॉम 52 से 25% की रेंज में यहाँ पे आ गया, कौन सी तारीख को, 3/7 को। उसके बाद देखो आप वापस रैली अप एंड डाउन, व्हेन अगेन इट इज़ मूविंग अप।
आप ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कौन से स्टेक, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ अपना सेटअप यूज करना है, नथिंग एल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 37 को रेंज में आ गया 25% लोअर, इट माइट बी पॉसिबल वो यहाँ से अप जाए। तो इसने कहाँ से 555 से लेके 590 तक का हाई लगाया। तो अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से आपको यूज़ करना है। अब यूफ्लेक्स में भी देख, हमने डिस्कस किया, एस्कोट में भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने कई ये पॉइंट पे उसने जस्ट पिकअप वन मोर, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है एस्कोट 29.5 को, उससे पहले था 28 को भी था। ओके, सो यहाँ पे शायद वो फर्स्ट टाइम आया होगा 25 2020 को एस्कोट। ये पॉइंट पे उसने ये यहाँ पे नजीक यहाँ पे आ गया था। ओके, तो यहाँ से आप यू प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो कि मैं इसके ऊपर बाय करूंगा और वहाँ से फिर देखो। स्विंग और पोजिशनली दोनों के लिए आप यूज़ करते हो। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना आपको, तो मैं यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये पॉइंट पे, ये देखो ठीक है 914 के ऊपर मैं बाई करता, तो ये पॉइंट पे मैं बाई करता यहाँ पे अराउंड 920 के आसपास, और देखो 990। ओके, सो आपको इसके साथ प्राइस एक्शन भी यूज़ करना है, क्योंकि वो रेंज में है, कहाँ पे बिलो द 25 और अबव द 52 वीक हाई। अगर आपको स्टॉक ऐसा है कि जो 52 वीक हाई पे यूज़ कर रहा है ट्रेडिंग, फॉर एग्जाम्पल टानला, तो अपने सेटअप्स के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के हिसाब से आप नॉर्मली मैं बाय कहाँ पे करूँगा, ये 20 डे मूविंग एवरेज पे अगर वापस आया तो इंक्रीज होने के बाद, एंड यू हैव टू लुक फॉर बाइंग। अगर यहाँ पे मैं बाय करा तो देखो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 150 पे, तो वापस 150 से लेके 175 सीधा। सो आपको वो प्राइस एक्शन आपको एनालाइज करना है डेली बेसिस पे, लेकिन ये आपको श्योरली स्विंग ट्रेडिंग में या फिर 5 to 10 days में आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। तो ये नॉर्मली ये स्टॉक को आप फिल्टर करना है और डेली एनालाइज करना है, तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगा। कितने भी स्टॉक ट्रेड हो, अगर चलो कुछ न्यू हो, यहाँ पे ये ब्लू है जो नहीं है, दैट इज टॉरेंट पावर 29.5 2020, कोई भी रीज़न हो, लेकिन वो वहाँ से आपकी एक बार स्कैनर में आया, देन यू कैन चेक फॉर प्राइस एक्शन टॉरेंट पावर कौन सी डेट पे है 29.5, देखते 29.5 ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग पे 318, उसके बाद 350, नियरली इक्वल टू 10% कितने दिन में, 5 days में। और ये 50 अराउंड ये हाई भी है, यहाँ पे देखो वहाँ से ऊपर क्रॉस किया लेकिन वापस डाउन आ गया, फिर वापस एक कंसोलिडेट हो रहा है, फिर यहाँ से वापस एक बार ट्राई की ब्रेकआउट पे फेल हुआ, लॉन्ग टेल आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग ये शैडो, उसके बाद वापस वो अप है। अगर इसके ऊपर अब ब्रेकआउट हो 360, देन आई एम गोइंग टू बाय। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो वॉल्यूम इज हायर, ये देखो ये पॉइंट पे यहाँ पे अराउंड 13.4 मिलियन, और एक यहाँ पे था उसके पे, यहाँ पे फिर कोई वॉल्यूम था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हाई वॉल्यूम है। और उसी दिन उसने RSI भी क्रॉस किया 60, सो यू कैन बाय हियर। तो सो आपको प्राइस एक्शन सिर्फ देखना है, यहाँ पे देखो पिछले 4 दिन के क्लोज के ऊपर बाय हुआ, जस्ट बाय। सो डिफरेंट मैटर्स आर देयर, आपको अपने सेटअप से हिसाब से ये स्टॉक को एनालाइज करना है। श्योरली इट विल गिव 5 to 10% विद इन 5 to 7 days। ओके, सो जस्ट एनालाइज विथ योर प्रॉपर सेटअप। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। अगर आप हमको फॉलो करना है, जस्ट फॉलो ऑन ट्विटर @charttraders। आपको क्वेरी है, जस्ट मेल अस chart.traders88@gmail.com। अगर आपको Zerodha में या फिर अपस्टॉक में या फिर LSB में अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और अकाउंट ओपन। थैंक यू।